हेलो, मैं अफजल बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई। वालदा घर पर हैं? जी जी हैं, होल्ड कीजिएगा। अम्मी, अफजल भाई का फोन है। हेलो, आप आज आ सकती हैं हमारे घर? क्यों बेटा, खैरियत? गजाला तो ठीक है ना? जी ठीक है। बेटा बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? जी आप आएंगी तो पता चल जाएगा। क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं। कोई ना कोई बात तो हुई है। अफजल भाई बड़े अजीब से लहजे में बात कर रहे थे। उसने मुझे घर आने को कहा है, लेकिन आज से पहले तो उसने कभी घर नहीं बुलाया इस तरह। बाजी तो ठीक है ना? हाँ, कह तो रहा था कि ठीक है, मुझे उसी की फिक्र लग गई है। शहजाद ऐसा करो, जरा जारा का नंबर मिलाओ और उसे बुलाओ फौरन। जी। हेलो जारा बाजी, ये अम्मी बात करना चाह रही हैं। क्यों, खैरियत तो है? अच्छा चलो ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। लो, अब मैं आया हूँ तो आप जा रही हैं? अरे नहीं, कुछ देर तक आती हूँ। शर्फू चाचा जी, आप उसे खाना खिलाएं, मैं आती हूँ। जी बेटे। गजब खुदा का, मेरी फूला जैसी बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी, मेरा दिमाग खराब है? मैंने आज से पहले इस तरह की कोई बात की? अफजल, अफजल इसको ले जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर ले जाओ, वरना पता नहीं इस घर में और क्या क्या हो जाएगा। अम्मी मैंने खुद देखा है, अम्मी मैं ऊपर से आ गई और फिर उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगा दिया। खुदा का खौफ करो फाजिया। अफजल, अफजल मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने तो इस घर की इज्जत बचाने के लिए अफजल से बात की थी और इसने मुझे उसी वक्त धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो उल्टा मुझे पे इल्जाम लगा के मुझे बदनाम करेगी। सुन रही है अम्मी, सुन रही है कैसी बातें कर रही है? चुप करो फौजिया, अब एक लफ्ज मुझसे मत निकालना, और तुम भी खामोश रहो। हद कर दी तुमने खजाला। कसम उठवाई इससे, मैं हर तरह की कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। देखा, झूठों की पहली निशानी बात बात पे कसम। बस बस करें, मैंने वालदा को बुलाया, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या असल तुमने अम्मी को बुला लिया? ठीक नहीं किया। कुछ गलत भी नहीं किया मैंने, ये मसला इतना संगीन है कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा।